मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हेलमेट माउंट करने में। यहाँ पे जो मैंने हेलमेट माउंट किया है, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि जब आप हेलमेट पहनते हो तो इसकी जो पोर्शन है, ये जो चिन, जो आपका चिन एरिया है, वो नीचे आ जाता है। लेकिन मैंने इसको बिना इसमें बेस दिए हुए मैंने इसको डायरेक्ट चिपका दिया, तो दैट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक। अगर मैंने इस पे पहले से ही नीचे बेस बना दिया होता तो उतना दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अभी जो जब मैं हेलमेट को इसको पहनूंगा तो कैमरा इसमें लगेगी, तो ये पूरी नीचे, तो पूरा ये नीचे हो जाता है, जो कैमरे का जो फेस है ये पूरा नीचे हो जाता है। सो ये बहुत ही बड़ी गलती था मेरा। मैंने किस तरह से इसको लगाया तो आप उसको देख सकते हो, यू कैन सी दैट वीडियो। तो हाल ही में मैंने ये स्टील वार की एक हेलमेट मंगवाई है, SBA 1। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हेलमेट इज़, इसकी जो अच्छी बात है इस हेलमेट की, कि आप इसमें इसकी जो चिन पोर्शन में इसको अच्छी स्पेस मिल जाते हैं कैमरा माउंट करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। और बेसिकली आप इसकी हेड में भी, इसके हेड माउंट भी आप कर सकते हो, लेकिन द हेड माउंट से ये होता है कि फील्ड ऑफ व्यू जो है इसका उतना अच्छा आता नहीं है। तो इसकी सेटअप करने के लिए हमें चाहिए कुछ ये कर्फ माउंट, और आपका जे कर्फ हो गया, ठीक है, जे कर्फ इसमें लग जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और फिर कुछ हल्की सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, जहाँ पे मुझे एम सील लगवाना पड़ेगा। एम सील लगवाने का मेन कारण यही है कि इसकी जो माउंट है इसमें लग तो जा रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है, कुछ पोर्शन इसमें ये ऊपर, मतलब पूरा फिल्ड नहीं हो रहा है, ये पूरा ग्रिप नहीं बना पा रहा है मेरे लिए, ये बीच का पोर्शन ही ग्रिप बना पा रहा है, तो साइड साइड में इसकी मैं एम सील लगवा दूंगा इसको, ठीक है। इसकी करते हैं अभी सेटअप। सबसे पहले निकाल ले इसका सिल, लगवाएंगे इसको सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। इसका जो बीच बीच का जो पोर्शन है ये अच्छे से लग चुका है, लेकिन आप देख सकते हो इसकी जो साइड पोर्शन जो है, ये गैप स्पेसेस इसमें है, तो इसी स्पेस के अंदर एम सिल लगवाना पड़ेगा। एम सिल के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, इस दो पार्ट्स को हमें अच्छे से मिलाना पड़ेगा। ये एम सील तो मुझे चाहिए नहीं, इसकी हाफ पोर्शन में निकालूंगा, ये हाफ पीस इसकी निकाल लो आधा। अब इसकी दोनों अच्छे से इसको मिलाओ, हो जाएगा इसका कुछ हिस्सा। इसकी मैं अभी इसकी आधा कर दूंगा, एक लगाऊंगा दूसरे साइड पे, एक लग जाएगी दूसरे साइड में। थोड़ा अपना हाथ जो है वो थोड़ा साफ कर लो, फिर नहीं तो ये वाइजर में लग जाएगी तो फिर ये चिपकते रह जाएगा, तो वाइजर आप पहले उठा लो, ठीक है। अभी लगवाएंगे इसको यहाँ में, ठीक है। ये चिपक गया है अच्छे से, अब इसको रख देंगे सूखने के लिए, ताकि ये परमानेंटली इसमें चिपक जाए। तो इसमें क्या दिक्कत है, अभी अगर इसको मैं पूरा निकालूंगा तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा मेरा, ये जितना भी इसका ये माउंट है, माउंट भी ख़राब हो जाएगा, प्लस हेलमेट मेरी पूरी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए इसको निकालने की वजह मैं इसमें एक्सटेंशन लगा सकता हूँ, इसलिए मुझे अलग से एक्सटेंशन मंगवाना पड़े इसके लिए। और जो एक्सटेंशन मेरे पास है, ये इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, ये छोटे वाले का जो एक्सटेंशन है ये सबसे पहले यहाँ लग जाएगा, फिर ये जो बड़ी वाली है तो इसको मैं यहाँ पे लगवा दूंगा, इस तरह से लग जाएगी, और यहाँ पे आपका कैमरा लग जाएगा। तो अच्छी खासी इसको हाइड, कैमरा में हाइड मिल जाएगी, और जो फील्ड ऑफ व्यू चाहिए कैमरे के लिए वो मिल जाएगा। तो चलिए अभी इसको हम लगाते हैं, लगाने के बाद फिर टेस्ट ड्राइव के लिए हम ले चलते हैं और देखेंगे कि किस तरह से जो है व्यू आती है।
दोस्तों व्यू कैसा आ रहा है? आई थिंक दिस इज द गुड पोजीशन फॉर द चिन माउंट। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने का पर्पस यही था मेरा। जो गलती मैंने की है वो आप लोग भी ना करें। इजी और सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का। आप चाहे तो इसका चेन स्ट्रैप भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो महंगी आती है थोड़ा, तो इसलिए इस तरह का सेटअप करके आप अपना जो पर्पस है वो फुलफ़िल कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बनाने का पर्पस यही था। तो हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए क्या चलते हैं।